السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. शमिन सादत के परवानों, इससे पहले आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के कान मुबारक के हवाले से, गोश मुबारक के हवाले से और समाअत के हवाले से आपने बहुत सारी बातें समाअत की। आज इंशाअल्लाह अज़ीम हुजूर अलैहिस्सलाम की फसाहत व बलागत के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ अहम बातें आप समाअत करें। आज का हमारा दर्स नंबर 5, एपिसोड नंबर 37। इंशाअल्लाह आज कुछ रिवायतें बयान की जाएगी, अब उसको समाअत करें और अपने ईमान को ताज़ा करें। गुफ्तगू शुरू करते हैं हुज़ूर आला हज़रत अज़ीम उल बरकत अली रहमतुल रिज़वा के इस शेर के साथ कि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जो कि इमाम कस्तलानी के नाम से मशहूर भी हैं, आप खुद तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम इंसानियत के लिए हादी व मुर्शिद बनाकर मबऊस फरमाया। दुनिया भर के मुख्तलिफ अकवाम की मुख्तलिफ ज़बानें दी, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम जबानों का माहिर बनाकर भेजा था। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर जबान में अहले जबान से ज्यादा फसी और बलीग गुफ्तगू फरमाया करते, यहां तक कि अहले जबान जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुफ्तगू करते सुनते तो दंग रह जाते। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा फसी और बलीग आपको जो है जबान अता फरमाई थी। देखिए हुजूर की बलागत और फसाहत के हवाले से कि हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ज़हरी ने अपने वालिद से और उन्होंने जो है उनके दादा से ये रिवायत बयान की कि फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अय्यदल्लक रजुल उमरातहु। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब अता फरमाया, इदा कान मुफ्लिजन। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला हाजिर थे, उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आपसे क्या कहा और आपने क्या जवाब अता फरमाया? तो मेरे आका नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने मुझसे पूछा था कि आदमी अपनी औरत से कर्ज उठाकर अदाए कर्ज में देर लगाए तो जायज है? मैंने कहा हाँ, जबकि मुफलिसो नादार हो। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला ने अर्ज की कि मैं अक्सर अरब के शहरों और इतराफ में फिरा हूं, बड़े बड़े फुसहा से मिला हूं, लेकिन मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई फसीह नहीं देखा। सुभान अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं कि मैं अरब के बड़े बड़े शहरों में मैंने जायजा लिया, देखा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार गार को जवाब भी दिया था। सुभान अल्लाह, जो हुजूर ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दबनी रब्बी व नशातु फी बनी साद, कहते हैं कि मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया और बनू साद कबीले में परवान चढ़ा हूं। सुभान अल्लाह, और कबीले बनू साद फसाद और बलागत में तमाम कबाइल अरब में अपना सानी नहीं रखता था। हुजूर अलैहि सलाम वहां पर परवान चढ़े और जिसे खालिक कायनात खुद सिखाए, सुभान अल्लाह, उनकी शान का आलम क्या होगा, उनकी फसाद और बलागत का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले अरब को अपनी फसाहत व बलागत पर बड़ा नाज था, अपनी जबानदारी पर बड़ा फख्र था, इसी वजह से वो अपने आप को साहिब जबान और दिगर अकवाम को अजमी यानी बेजबान कहते थे। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जबानदारी देखकर अरब के बड़े बड़े फसीह और बलीग लोग भी हैरत ज़दा रह जाया करते थे। यकीनन आपकी फसाहत व बलागत आपको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बतौर मुअज्जज़ा मिली थी, जिसकी मिसाल उस दौर में भी नहीं मिल पाती थी।
मेरे प्यारे आका अली सलाम की प्यारे दीवानों, अब लैंग्वेज की बात आ जाए, जबान की बात आ जाए, तो मैं आपको बताऊं कि सुभान अल्लाह, मेरे आका अली सलात व तस्लीम की शान हर जबान हुजूर अली सलाम जानते थे। हजरत अल्लामा हलबी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि जब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गुफ्तगू नहीं समझ सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तर्जुमान तलाश किया तो एक यहूदी ताजिर हाजिर किया गया जो फारसी और अरबी दोनों जबानें वो जानता था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने अपनी मादरी जबान यानी फारसी जबान, जो आप फारस के थे, फारसी लैंग्वेज थी, तो फारसी जबान में हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना की और यहूदी की मरम्मत की, जिससे यहूदी बहुत गजबनाक हो गया और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह मौला तबारक व तआला के कलाम में उसने तहरीफ की और कहा कि सलमान माजल्ला आपको गाली दे रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस यहूदी जो तर्जुमान था, ट्रांसलेटर था, जब उसकी बात सुनी, फरमाया ये हमको क्यों बुरा भला कह सकता है, ये तो हमारी तारीफ कर रहा है और यहूदियों के हक से इनकार करने की शिकायत कर रहा है। जब तर्जुमान ने कहा कि अगर आप उसका कलाम समझ सकते थे तो मुझे बुलाकर मेरा वक्त क्यों जाया किया, अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहि सलाम ने उस मौके पर फरमाया अभी अभी मुझे जिब्रील अलैहि सलाम ने फारसी सिखाई। सुभान अल्लाह। यह सुनकर यहूदी ने कहा इससे पहले मैं आपको बुरा जानता था लेकिन अब मुझे आपके सच्चे नबी होने का यकीन हो गया है, मैं गवाही देता हूं कि खुदा एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ अरबी ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर जबान सिखाई है। यही वजह है कि दुनिया के जिस कोने से भी आपको कोई पुकारता है आप उसकी बात समझते हैं और उसकी फरियाद रसी करते हैं। सिर्फ अहले जबान ही की जबान नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बेजबानों की जबान भी समझते हैं। जैसा कि इससे पहले आपने कुछ रिवायतें समाअत की है कि जैसे ऊंटनी का वाकया, हिरनी का वाकया, इस तरीके से अगर जानवर भी गुफ्तगू करे तो मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम उनकी जबान को समझते भी है, उनकी फरियाद रसी भी फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, अगर फसाहत व बलागत की बात की जाए, ये मेरे आका अलैहि सलाम का मौजजा है और आका करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसा फसीह और बलीग बनाया। आप किस तरीके से गुफ्तगू फरमाते कि हजरत इब्ने साद रजी अल्लाह ताला ने हजरत हलीमा से रिवायत किया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो माह के हुए तो घुटनों के बल घर के सहन में हर तरफ फिरते थे। सुभान अल्लाह। हालांकि दो महीने का बच्चा होता है आप खुद जानते हैं, मगर दो माह के हुए तो घुटनों के बल घर के सहन में हर तरफ फिरते, तीसरे महीने में आप पैरों पर खड़े होने लग गए, चौथे महीने में आप जो दीवार पकड़कर चलने लगे। सुभान अल्लाह। पांचवें महीने में आप चलते फिरते, आठवें माह में आप पूरी तरह कलाम करना सीख गए और नौ माह की उम्र में ऐसा फसीह और बलीग बोलते थे कि आपकी कौम के फुसहा और बुलगा भी आपका कलाम सुनकर हैरान रह जाते थे। नौ महीने के अंदर ऐसा फसीह बनी के बड़े बड़े फसीह जो थे वो खुद हैरान हो जाते कि किस तरीके से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि जिसका मुअल्लिम खुद खल्लाक कायनात हो, जिसे अल्लाह ताला ने इल्मे लदुन्नी अता फरमाए, खुद खालिक कायनात जिसे जबान और बयान सिखाए, फिर उसकी जबानदानी, उसकी फसाद और बिलागत की मिसाल कहां मिल सकती है। तो मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, आप इससे अंदाजा लगाइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुव्वत गोयाई अता फरमाई और जो आपकी शान है, जो आपके औसाफ है, क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से आज आपने आपकी फसाहत और बलागत के हवाले से समाअत किया। अब सुभान अल्लाह, जो ऐसी फसीह और बलीग तकरीर फरमाए, जो गुफ्तगू फरमाए, उनकी प्यारी आवाज का क्या कहना, उस आवाज का क्या कहना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इंशाअल्लाह आप उसको भी समाअत करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक में कैसी मिठास थी। आप गुफ्तगू फरमाते तो आवाज मुबारक कैसी
जो है मीठी मीठी आवाज थी। इंशाअल्लाह आइंदा आप समाअत करेंगे, जरूरत जरूर उसे भी आप समाअत करें, अपने ईमान को ताज़ा करें, इसे खूब शेयर करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, हुजूर अली सलाम का सदका अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।